नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। इस वक्त की बड़ी खबर केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन से जुड़ी है। आपको बता दें कि 23 महीने पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हाथरस जा रहे थे, रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की उन्होंने बात की थी, तब उन्हें रास्ते से गिरफ्तार किया गया था। यूपी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करवाया था। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया है और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ तौर पर कह दिया गया है कि उन पर आरोप तय नहीं किए गए, इतने महीने बीत गए और इसीलिए उन्हें रिहा किया जाता है। आपको बता दें कि उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत दायर मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को अब राहत दे दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कप्पन सिद्दीकी को जमानत दे रहे हैं। इससे पहले सरकार ये बताए कि क्या उनके ऊपर कोई आरोप तय हुआ है कि नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए वकील महेश जेठमलानी से तमाम सवाल भी किए और उन्हें फटकार भी लगाई है। आपको बता दें कि सिद्दीकी कप्पन की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी जिसकी सुनवाई हुई और अब उन्हें मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने रिहा कर दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन को जमानत पर रिहा करने की सहमति जता दी है। आपको बता दें कि हाथरस कांड के बाद जनता को भड़काने सहित कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया था कप्पन को और उन पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि अभी तक उन पर आरोप तय नहीं किए गए और इसी बात को लेकर सीजीआई जस्टिस यूयू ललित ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या कप्पन के पास से कोई विस्फोटक पदार्थ मिला था या कोई ऐसी सामग्री मिली थी जिससे लगता है कि वो साजिश रच रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगता है कि अभी तक आरोप आपने तय नहीं किया है और मामला अभी आगे बढ़ा नहीं, इसीलिए हम उन्हें जमानत दे रहे हैं। यूपी सरकार की तरफ से पेश वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि कप्पन के पास से कोई विस्फोटक तो नहीं मिला, लेकिन उसकी कार में एक आपत्तिजनक साहित्य मिला था जिससे पता चलता है कि वो पीएफआई से जुड़ा था। इस पर जस्टिस यूई ललित काफी नाराज दिखे और उन्होंने साफ तौर पर कहा, साहित्य से आपको क्या दिक्कत है? आप साहित्य को कैसे जोड़ सकते हैं कि वो उससे दंगा भड़का सकता था? इसके अलावा कप्पन के लिए केस लड़ रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि साहित्य ये था कि हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाना था। साथ ही कहा कि कप्पन अक्टूबर 2020 से जेल में बंद हैं और उन पर किसी भी तरीके की कोई भी याचिकाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो तमाम सवाल जवाब हुए और इसके बाद अंतिम में यह फैसला लिया गया कि सिद्दीकी कप्पन को रिहा किया जाएगा। फिलहाल अभी वो 6 हफ्ते दिल्ली में ही रहेंगे और पूरी प्रक्रिया के बाद वो केरल वापस जा पाएंगे और 23 महीने बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया है।